30, 60, कभी ना मैं नापू, कभी ना मैं नापू, तभी तो मैं बापू। स्वागत है आप सबका एपिक स्टार्डम के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि योयो हनी सिंह का नया सॉन्ग जाम द कैसिनो सॉन्ग आज फाइनली रिलीज हो चुका है। गाने की अगर हम बात करें तो गाने में हनी पाजी का लुक बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट गाने में जो हनी पाजी ने डांस करा वो ही बहुत अच्छा है। बाय विजुअल मैं कह सकता हूँ कि हनी पाजी ने इस गाने में हमको ब्लू आइज की याद दिला दी है, क्योंकि इसमें वही लुक है, वही उस टाइप का डांस स्टाइल भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है। तो ब्लू आइज की याद आपको पक्का आने वाली है इस वीडियो को देखते देखते। तो इस गाने में सरप्राइज एलिमेंट रहे हैं सतीश कौशिक जी। मतलब हम में से किसी ने सोचा नहीं होगा कि गाने में सतीश कौशिक जी भी होंगे, तो वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो गाने की डायरेक्शन बहुत अच्छी करी है मिहिर गुलाटी भाई ने। और इस वीडियो में एक और अच्छी चीज ये है कि हनी पाजी के एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छे हैं। मतलब पिछले जितने भी वीडियो हनी पाजी ने शूट करे उसमें कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ एक्सप्रेशन नजर आ रहा था, पर इस गाने में वो कमी भी हनी पाजी ने पूरी कर दी है। नशे में कुछ तो बात है ना, है ना, मजे में तभी तो मैं रहता हूँ। एक जो चीज है लोगों को इस गाने से निराश कर रही है वो इस गाने का म्यूजिक। काफी ज्यादा लोगों को गाने का म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि गाने का म्यूजिक इससे अच्छा हो सकता था, मतलब ये गाने में ये म्यूजिक प्रॉपर नहीं बैठ रहा है। मेरे हिसाब से हनी पाजी को अपना ही म्यूजिक अपने गाने में डालना चाहिए, क्योंकि वही वो उनकी स्ट्रेंथ है। स्टार्टिंग से वो म्यूजिक बनाते हुए आ रहे हैं तो उनका म्यूजिक ही उनका पावर है। अगर वही वो नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फैंस तो निराश होने ही वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपने गाने नहीं सुने तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप जाम गाने को एंजॉय कर सकते हैं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए एपिक स्टार्डम यूट्यूब चैनल को।